ओके चलो भाई, सो प्लीज स्टार्ट की क्या कर रहे हो आजकल। मैम क्या कर रहे हो आजकल? क्या स्टडीज कर रहे हो, क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग। मैम बस जे कंपटीशन की तैयारी कर रहे थे, तो उसी बीच में अप्रेंटिसशिप कंप्लीट करने के बाद आईपीआर का पेपर दिया, तो इसमें शॉर्टलिस्ट हो गया, तो इंटरव्यू देने आया। तो और कौन कौन से सेक्टर में ट्राई कर रहे हो, गवर्नमेंट सेक्टर में। गवर्नमेंट सेक्टर में मैम नॉन टेक्निकल के लिए दे रहे हैं, जैसे लेटर वगैरह हो गया, और नॉन टेक्निकल जो भी पेपर होते हैं स्टेट के उस पर ट्राई कर रहे हैं। यू आर नॉट टारगेटिंग वन पर्टिकुलर डोमेन, राइट। आईपीआर इज नॉट वन पर्टिकुलर, यू आर टारगेटिंग नंबर ऑफ डोमेन्स। मैम पीएसयू सेक्टर टारगेट कर रहे हैं, जैसे टेक्निकल में जो भी जॉब निकलती है ओएनजीसी पीएसयू सेक्टर की, वो टारगेट कर रहे हैं मैं वाई यू वांट सीबीएसई टू गो के इन लिए। पीएसयू, पीएसयू को जाना चाहते हो। मैम इसमें ये थोड़ा मतलब इसमें पॉलिटिकल इंटरफेरेंस कम होता है, और इसमें फ्यूचर अच्छा होता है, पैसा नया, और मैं इसका ऑलरेडी मैंने पीएससी से अप्रेंटिसशिप कर रखी है, तो वहाँ का वर्किंग कल्चर पता है, तो इस वजह से इंटरेस्टेड है पीएससी सेक्टर में जाने के लिए। पैसा रवि, हु इज देयर इन योर दिस फील्ड, नहीं पीएसयू में कौन रहा है आपका, कि आपको वर्किंग कल्चर पता है इसका। ओके मैम, मैंने वहां से अप्रेंटिसशिप किया है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन से एक साल। मैम सो व्हाट व्हाट डिड यू लाइक अबाउट इट, क्या वर्किंग वहाँ कल्चर में क्या पॉलिटिकल पसंद इंटरफेरेंस आया। थोड़ा मैम वहाँ पॉलिटिकल इंटरफेरेंस थोड़ा कम होता है, और वो पहले देश के लिए पीएससी में जो होता है, पहले आप देश के लिए वो गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं, देश के लिए काम करते हैं, बाद में अपना काम अपने लिए प्रॉफिट देखते हैं। और जैसे प्राइवेट सेक्टर होता है, तो उसमें पहले प्राइवेट सेक्टर देख अपना अपना फायदा देखता है, बाद में देश का फायदा देखता है। तभी मैंने तो तो पूछा ही नहीं, प्राइवेट और पब्लिक में डिफरेंस नहीं पूछा मैंने अभी तक, ना मैंने पूछा, मैंने तो ये पूछा वर्किंग कल्चर कैसे अच्छा होता है, तो बता रहे हो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं है। वर्किंग कल्चर बताओ ना फिर, वर्किंग कल्चर कैसे अच्छा है। किसी का आंसर किसी में डाल रहे हो, कुछ भी बोल रहे हो। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस चलो कैसे नहीं होती है बताओ मुझे, तो दो तीन बार रिपीट कर रहे हो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं है, क्या पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होती है और क्या नहीं है ये बता दो। किसी भी तरीके का प्रेशर नहीं रहता मैम, लोकल 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 पॉलिटिक्स का, इसलिए पीएसयू बेटर रहता है, और वहाँ आप थोड़ा आपका फ्यूचर बेटर होता है, और आप देश के लिए सर्व कर सकते हैं। ओके चलो हॉबीज बता दो फिर मुझे अपनी, क्या करते हो फ्री टाइम पे। फ्री टाइम मैम जिम जाते हैं, म्यूजिक सुनते हैं, और प्लांटिंग करते हैं, कभी कभी गार्डनिंग कर लेते हैं। इंटरेस्ट किस सेक्टर में, क्या करना क्या चाहते हो आगे, प्लान विजन क्या है आपका। मैम किसी इंटरेस्ट विजन मतलब किसमें, एकेडमिक में या पर्सनल? अगर मैं देखूंगी रवि को आज के 5-10 साल बाद, तो मैं कहाँ देख सकती हूँ, किस फील्ड में, क्या करना क्या चाहता है रवि। एट लास्ट एक नाम कमाना होता है ना हमें, हर एक इंसान को कैसे कमाना चाहते मैम हो। किसी कोई कोई को, कोई भी मतलब जैसे मैं सिविल इंजीनियर से हूँ, तो कोई ऐसा प्रोजेक्ट पर काम करना चाहता हूँ जो आइकॉनिक हो, जो जो कंट्री कंट्री लेवल पे आइकॉनिक हो, या वर्ल्ड लेवल पे, जो जिस पे मेरा नाम जुड़े कम से कम, इसे आगे 5 से 10 सालों में अपने आप को वैसे देखता हूँ। जैसे कोई किसी भी तरीके का प्रोजेक्ट हो, जैसे अभी सेंट्रल वेस्टा प्रोजेक्ट जो कंप्लीट हुआ है, तो उसमें जैसे उसके जो वो आर्किटेक्ट हैं उनका विमल पटेल नाम है, तो उस एज इस तरीके के कोई काम में इन्वॉल्व होना चाहता हूँ, मतलब आइकॉनिक काम। चलो रवि एक चीज बताओ, सपोज यू गेट सिलेक्टेड, ओके ट्रांसफर पॉलिसी होती है, आपको ट्रांसफर करके मैं आपको साउथ में डाल देते हैं आपको, हाउ वुड यू हैंडल द, यू कैन मैम से डिफरेंट वहां का कल्चर होगा, लैंग्वेज बैरियर होता है, खाने में बैरियर होता है, कैसे हैंडल करोगे उसको, हाउ वुड यू डू इट। थोड़ा सा कॉर्पोरेट करेंगे, थोड़ा अपने वो अडेप्ट करेंगे माहौल के हिसाब से, और उनको भी थोड़ा सा अपने हिसाब से डील करेंगे। कैसे अडेप्ट करोगे वही बताना, आपको अडेप्ट कर लोगे, कैसे करोगे। थोड़ा फ्रेंडली बिहेव रखेंगे सबसे, कोई किसी भी तरीके का या वो फ्रेंडली
कर सकते हैं, और कोई तो ऑप्शन है नहीं। और अगर भाषा नहीं समझ आ रही है तो कैसे समझोगे भाषा? जरूरी नहीं है ना हर इंसान को इंग्लिश आएगी। नहीं तो मैम इंग्लिश, हाँ हर नहीं मैम इतना तो उनकी भाषा भी समझ में आ जाएगी, इतना हार्ड हार्ड इंग्लिश बोल सकते हैं वो लोग, न तो हम बोल सकते हैं, तो मतलब उनकी भाषा भी थोड़ी थोड़ी हम सीख सकते हैं, इतना जल्दी तुरंत नहीं सीख जाएंगे, सीख लेंगे। ओके देखो मेरी बात सुनो रवि, एक तो कल इंटरव्यू है ठीक है, पहले हंसना जी नहीं है वहां पे जाके सीरियस होना है। इट इज नॉट अबाउट कि मैं अगर गुस्से में बोलूंगी तो आप सीरियस हो जाओगे ये हो जाओगे। अपना डेकोरम बना के रखो कि सीरियस वाला इंटरव्यू है, तो मैंने अपना स्माइल कुछ मजाक वैसे नहीं करना। जब इंट्रोड्यूस करते हो तब करो, बिना बात के नहीं करनी है ठीक ठीक है। सेकेंड चीज अब ध्यान रखो, कल मैंने स्टार्ट किया था आपको इंट्रोडक्शन से, जरूरी नहीं है वो हर बच्चे से इंट्रोडक्शन पूछेंगे। ये भी पूछ सकते हैं कि आजकल क्या कर रहे हो रवि, तो सिंपल आएगा कि मैम मेरी अभी प्रिपरेशन हुकी हटी है, मैंने जब भी डिप्लोमा खत्म किया है तब से मैं तैयारी कर रहा हूँ, एक तरीका है बोलने का ठीक है। हर किसी से ठीक जरूरी ठीक नहीं है ठीक कि ठीक इंट्रो पे ही स्टार्ट होगा, तो ये मत मान के चलना कि मुझे जाके पहले इंट्रो ही बोलनी है। हर चीज के पैनल में कितने तरह के इंसान होते हैं उनपे सोच के चला करो ठीक है। सो मैम आई एम प्रिपेयरिंग फॉर द गवर्नमेंट एग्जाम्स ओके PSU। अब क्वेश्चन मैं कुछ और पूछ रही हूँ, जवाब जो रट्टे मारे हुए हैं वो दे रहे हो, वो साफ पता चल रहा है भाई कि कल मैंने बताया PSU और प्राइवेट में क्या डिफरेंस है, क्योंकि एक क्वेश्चन पूछा था वही लर्न करके आ गए। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस विजेंद्र सर ने एक वर्ड सिखा दिया है तो रवि वही बोल रहा है, ये नहीं होता रवि। जैसे जैसे क्वेश्चन बदलता है आंसर बदलता है ना, उस तरह से क्वेश्चन और आंसर में आपस में बदलो ठीक है। क्या है PSU तो अगर मैम मैंने क्या पूछा है बोलते हैं? मैम, हाँ PSU में आपने मुझे क्या बोला, मैं डिफरेंट प्रोजेक्ट्स करना चाहता हूँ ठीक है, तो मैम मैं PSU में रहूंगा तो PSU में क्या चीज होती है, देखो डाइवर्सिटी होती है। डाइवर्सिटी मतलब बहुत तरह के लोग मिलते हैं, कोई साउथ से है, कोई नॉर्थ से है, कोई ईस्ट से, कोई वेस्ट से। जब हम डिफरेंट डिफरेंट लोगों से मिलते हैं हम अपनी नॉलेज को एक्सचेंज करते हैं। अगर मैं पंजाब की हूँ, आप सपोज कर लो किसी और एरिया के हो ठीक है, तो क्या होगा, हम आपस में बात करेंगे, हमारी नॉलेज, मुझे आपकी नॉलेज मिलेगी, आपको मेरी मिलेगी, कुछ सेक्टर कुछ वर्ड्स कुछ चीजें सीखोगे ना मुझसे तो नॉलेज बढ़ेगी। मैम डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं, PSU कभी भी एक ही प्रोजेक्ट पे काम नहीं करता है ना, उनके प्रोजेक्ट चेंज होते रहते हैं। तो मैम मैं डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पे काम करूंगा तो मैं सीखूंगा बहुत ज्यादा, मेरी नॉलेज तब भी बढ़ेगी। तीसरा मैम मुझे लगता है कि मुझे एक्सपोजर बहुत ज्यादा मिलेगा इस सेक्टर में, क्योंकि जहां पे आप बड़ी जगह पे काम करते हो तो आपको एक्सपोजर भी उतना ही मिलता है, टेक्निकल एक्सपोजर, फील्ड एक्सपोजर, हर चीज ज्यादा मिलेगी। तो मैम PSU में काम करना चाहता हूँ मैं इस वजह से, ये नहीं होता कि मैम मेरा पैशन, पैशन तो लग ही नहीं रहा था, बोल के देखना सुन के देखना अपनी रिकॉर्डिंग को क्या लग रहा था। एक लाइन मैम पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं है, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस से पहले आता है कि मैम मेरा इंटरेस्ट है, PSU मेरी ड्रीम जॉब रही है, कोई भी बडिंग इंजीनियर कुछ भी है तो वो PSU ही करना चाहता है क्योंकि उससे उसकी नॉलेज बहुत बढ़ती है। और कल को 5-10 साल बाद मैं देखता हूँ कि मेरी नॉलेज बहुत बड़ी हो, मैं बहुत अच्छा इंसान बन सका हूँ, ये होता है हमारा, हमारा 10 साल बाद ये होता है एम कि हम कहाँ पे हो, ये नहीं होता कि मैं प्रोजेक्ट ही कर रहा हूँ। एट लास्ट तो चाहोगे ना कि मैं एक अच्छी सपोज करो किसी पैनल का मेंबर हूँ या कोई रवि कैन यू हेयर मी यस मैम यस ठीक है, तो हेलो। इसमें प्रिपेयर करो। और जब आता है कि मैं साउथ में ट्रांसफर वगैरह वाले ये सिचुएशनल क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो बोलते हैं कि मैम वहां पे जैसे गूगल ट्रांसलेटर का यूज हो जाएगा स्टार्टिंग में, आप तो टेक्नोक्रेट्स के होते हो तो पता होना चाहिए ना कि मैम स्टार्टिंग में कुछ डिफिकल्ट जार्गन्स होंगे तो मैं गूगल ट्रांसलेटर जैसी चीजों का यूज करूंगा, धीरे धीरे मैं वहां पे अडेप्ट भी हो जाऊंगा, खाने से मुझे कोई इशू नहीं है। वो पूछते हैं एक्चुअल में अगर दे फाइंड यू इंटरेस्टिंग ना तो सिचुएशन कुछ ना पूछते हैं वो कि ट्रांसफर हो जाएगी तो कैसे हैंडल करोगे, वर्क प्रेशर को कैसे करोगे। और जब वर्क कल्चर अगर आप रहे हो वहां पे तो देखोगे कि मैम वहां पे लोग जो है डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पे काम करते थे तो लगता था कि उनको नॉलेज बहुत बढ़ती है, इसलिए मुझे लगता है कि वहां पे मैं काम करूंगा तो मेरा भी बहुत ज्यादा अच्छे से मेरी एडवांसमेंट हो पाएगी, मेरी टेक्निकल नॉलेज अच्छी बढ़ पाएगी। तो चाहिए ना आपको कि मेरे स्किल्स इंप्रूव हो गए, सबसे बड़ी बात होती है अपने स्किल्स को इम्प्रूव करना। अब क्लियर हुआ, थोड़ा सा काम होके कंपोज होके हंसना नहीं है, इट इज फॉर योर बेटरमेंट। यहाँ पे डांट खा लो जितनी खानी है, वहां पे मत खा के आना क्लियर, और सीरियस होके जाना है ठीक है। चलो ऑल द बेस्ट, अच्छा होगा, डोंट वरी, अभी टेक्निकल के लिए जाओ ओके जतिन सर। और कैन स्टार्ट, यस रवि मेक योर सेल्फ यस सर, विजिबल। गुड गुड आफ्टरनून, आफ्टरनून। सो गुड टेल मी योर आफ्टरनून सर। फेवरेट सब्जेक्ट। सर सर्वे कंक्रीट और RCC बिल्डिंग मटेरियल।
ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी बेंडिंग मोमेंट एंड ट्विस्टिंग मोमेंट में क्या डिफरेंस होता है? सर बेंडिंग मोमेंट एक्सेल लगता है और ट्विस्टिंग मोमेंट जो सरकमफेरेंस लगता है। देख लो अभी सोच लो क्या बोल रहे हो। बेंडिंग मोमेंट ट्विस्टिंग मोमेंट में क्या डिफरेंस होता है? सर ट्विस्टिंग मोमेंट जब टॉर्जन लगाते हैं तब ट्विस्टिंग मोमेंट जनरेट होता है और सर जो बेंडिंग मोमेंट होता है वो एक्सेल जब अच्छा मैंने मेंबर पे मूवमेंट लगाया मेरे को कैसे पता लगेगा कि ये बेंडिंग मोमेंट है ट्विस्टिंग मोमेंट है? सर वो उसमें टॉर्जन जनरेट होगा उस शाफ्ट पे बीम पर तब तो वो ट्विस्टिंग मोमेंट होगा। कैसे पता लगता है टॉर्जन जनरेट हो रहा है? अच्छा ठीक है सर्वे आरसीसी बिल्डिंग मटेरियल एंड आरसीसी कंक्रीट सिटी ओके। अच्छा ये बताओ बैलेंस सेक्शन और अंडर रेनफोर्स सेक्शन में क्या डिफरेंस है? सर बैलेंस सेक्शन में सर जो न्यूट्रल एक्सिस और होती है और एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस वो दोनों बराबर होती हैं सर और उस पर मतलब और जो अंडर रेनफोर्स सेक्शन होता है उसमें आवश्यकता से कम रेनफोर्समेंट डाला जाता है और बैलेंस में जितना आवश्यक होता है उतना ही डाला जाता है। बस ये डिफरेंस है। अच्छा आवश्यकता से कम क्यों डाला जाता है अंडर रेनफोर्समेंट जरा बताना सर ताकि सर सडन फेलियर ना हो। कम डाल रहे हो और बोल रहे हो कि सडन फेलियर ना हो सर। अगर ज्यादा डाल देंगे तो सडन फेलियर होगा? सर सडन फेलियर होता है। किस चीज किसका सडन फेलियर होगा सर? कंक्रीट का सडन फेलियर है सर पूरे सेक्शन का जब ओवर रेनफोर्स सेक्शन होता है तो पूरे सेक्शन का सडन फेलियर होगा पूरा मतलब वो पहले से ही किसी भी तरीके की चेतावनी नहीं देता। अच्छा ये बताओ ये वर्केबिलिटी क्या होता है? सर वर्केबिलिटी सर जो कंक्रीट में जो सर कंक्रीट में जो पानी मिलाने की एक उचित मात्रा होती है उसको वर्केबिलिटी कहते हैं सर। मतलब वर्केबल अच्छा, कितनी आसानी से हम किसका उस कंक्रीट को सेक्शन में डाल सकते हैं किसी बिना किसी स्पेसिमन में बाधा के मतलब कितनी आसानी से हम स्पेसिमन के अंदर कंक्रीट को डाल सकते हैं वो उसकी वर्केबिलिटी होती है जी सर। अच्छा मान लो कि तुम आसानी से नहीं डाल पा रहे हो तो वर्केबिलिटी नहीं होगा वो कंक्रीट तो क्या हम ये बोल देंगे कि वर्केबल नहीं है? वर्केबिलिटी बढ़ानी पड़ेगी थोड़ा सा तो आसानी से चली जाएगी अगर ज्यादा नहीं है बढ़ानी पड़ेगी। सिर्फ एक ही फैक्टर है यहाँ पे भी आसानी से डालना है अगर आसानी से डाल पा रहे हैं तो वर्केबल है एक ही फैक्टर की बात करते हैं कोई जी सर ठीक है। अच्छा ये बताओ रिमोट सेंसिंग के बारे में सुना है कभी? जी सर रिमोट सेंसिंग के बारे में सुना है? हाँ सर सुना। क्या होता है रिमोट सेंसिंग? एक्टिव रिमोट सेंसर पैसिव रिमोट सेंसर में क्या डिफरेंस है? सर एक्टिव रिमोट सेंसिंग होता है जो नेचुरल सोर्स नेचुरल चीजों को यूज करके हम जो सर्वे करते हैं जो रिसीवर करते हैं जैसे फोटोग्रामेटिक होता है तो उसको नेचुरल सेंसर कहते हैं। थोड़ा साफ बोलो रवि थोड़ा आराम से बोलो थोड़ा साफ बोलो ताकि मैं सुन सकूं तुम बोल क्या रहे हो तुम आधे वर्ड्स अपने मुंह में रख रहे हो। तो जो एक्टिव सेंसर होता है जैसे हम दिन में फोटोग्राफ ले रहे हैं तो सूर्य के प्रकाश में ले रहे हैं सर तो वहां पर सूर्य एक एक्टिव सेंसर हो गया नेचुरल सेंसर नेचुरल तरीके से और सर आपने रिमोट सेंसिंग पूछा है और कुछ? मैंने एक्टिव और पैसिव रिमोट सेंसिंग में डिफरेंस पूछा। एक्टिव सेंसर होते हैं पैसिव सेंसर होते हैं वो डिफरेंस पूछ रहा हूँ क्या है।
दिमाग से पड़ गया। ठीक है। अच्छा, सर्वे के अंदर हम एक फोटोग्रामेट्री सर्वे पढ़ते हैं। फोटोग्रामेट्री पढ़ा है तुमने? रिलीफ डिस्प्लेसमेंट जानते हो? जी सर। बताना क्या होता है। सर रिलीफ डिस्प्लेसमेंट जैसे जो एरोप्लेन से किसी टावर की फोटो लेते हैं तो जो उसका बॉटम पॉइंट रहा, बॉटम पॉइंट और टॉप पॉइंट के जो जो डिस्टेंस होता है प्रिंसिपल एक्सिस से, उसको रिलीफ डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। ठीक है अरुण सर, आप तुमसे कुछ क्वेश्चन पूछेंगे। अरुण सर ओवर टू यू। हेलो। जी सर। आवाज आ रही है मेरी? गुड मॉर्निंग। जी सर, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। आप मुझे बताइए प्राउड्स नंबर क्या होता है? क्या सर? प्राउड्स नंबर सुना है कभी? प्राउड नंबर, फ्रॉड नंबर, फ्रॉड नंबर ना सर? जी सर, जड़त्व बटे गुरुत्व बल होता है सर फ्रॉड नंबर। कहाँ इस्तेमाल होता है ये सर? ये फ्लो चैनल में यूज होता है सर। यही सिग्निफिकेंस है इसका कुछ? मतलब मैं ये पूछ रहा हूँ कि कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, क्या फायदा है इसका, क्यों यूज करते हैं, क्यों बनाया गया ये नंबर? सर फ्लो, फ्लो को फ्लो क्रिटिकल है या सुपर क्रिटिकल, यही इसी यही ये नंबर से पता चलता है, फ्रॉड नंबर से। लानी क्रिडल फॉर्मूला सुना है कभी? क्या सर? ब्लानी क्रिडल फॉर्मूला का नाम सुना है कभी? ब्लानी क्रिडल। अच्छा, सीमेंट के ऊपर हम लोग एक टेस्ट करते हैं, ली चैटलियर टेस्ट, वो सुना है? हाँ सर। बताओ क्या होता है सर ये? साउंडनेस, सीमेंट के साउंडनेस के लिए ये टेस्ट करते हैं। ये प्रोसीजर बताओ थोड़ा। प्रोसीजर ऑपरेटर्स क्या होगा, क्या करेंगे, क्या प्रोसेस होगा? सर साउंडनेस जांच करने के होते हैं सर, फ्री लाइम की सीमेंट में जो फ्री लाइम की मात्रा होती है उसका पता लगाते हैं सर। पूरा टेस्ट का प्रोसीजर कौन सा? हाँ वो मैंने पूछा पर तुमने बताया ही नहीं, तो फिर मुझे लगा शायद तुम्हें नहीं पता होगा। सर पूरा जैसे अगर पूछते हैं पूरा प्रोसीजर बताएं तो सर ये तो फिर डिस्क्रिप्टिव पेपर हो गया ना सर, जैसे हम एकेडमिक में लिखते थे सेमेस्टर में। क्यों इंटरव्यू में वो आपसे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन नहीं पूछ सकता है? सर उस लेवल का तो मतलब नहीं बता तो फिर पढ़ सकते वो तो सर, हम एकेडमी में पढ़ते थे इस समय सर, हम ऑब्जेक्टिव तैयारी कर रहे थे, ऑब्जेक्टिव पढ़ रहे थे। तो साफ कह दीजिए आपको नहीं प्रोसीजर पता है, फिर आप इतना पूछ रहे हैं कि आप, मैं ये सवाल नहीं पूछ सकता हूँ, ये तो मेरा अधिकार है ना, मैं क्या सवाल पूछता हूँ, ये तो इंटरव्यू का सर, वो है पूरा पढ़ के जाए प्रोसीजर में। प्रोसीजर तो पूछा जा सकता है कि हाँ सर हमारे पास एक अपरेटस होता है, उसमें हम लोग डालते हैं, फिर उसको नॉर्मल टेम्परेचर पे रखते हैं, फिर उसे हाई बॉइलिंग वाटर में डाला जाता है, इतने समय के लिए डालते हैं, फिर हम निकाल कर देखते हैं, फिर उसका डिस्टेंस चेक करते हैं, ये सब तो एक बेसिक बता ही सकते हो आप, कोई बहुत लंबा तो मैं आपसे नहीं पूछ रहा हूँ, पर एक 30-40 सेकेंड में आप एक्सप्लेन कर सकते हो? हाँ कर सकते हैं सर, तैयार करना पड़ेगा। और कोई टेस्ट पता है आपको सीमेंट पे, जो और भी टेस्ट हम लोग परफॉर्म करते हैं उसके बारे में पता है? सर सिमिलर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट करते हैं और बस अच्छा, सीमेंट पे कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट करते हैं, कंक्रीट पर भी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट करते हैं, दोनों टेस्ट में क्या फर्क है? सर उसमें कंक्रीट में जब कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट करते हैं तो जो क्यूब का साइज होता है उससे 17.6 mm का होता है सर। अच्छा सीमेंट में जब हम करते हैं तो कैसा?
और सीमेंट के साथ एक और टेस्ट होता है कंसिस्टेंसी टेस्ट होता है, सघनता टेस्ट। हम तो अब वो सवाल तो पुराना वाला हो गया ना, अब हम इस वाले का पूछ रहे हैं कि दोनों में क्या फर्क है, तो अब पुराने वाले का यहाँ बोल के क्या फायदा है। चलो सर्वे, तुम कह रहे थे तुम्हारा फेवरेट सब्जेक्ट है, सर्वेयर कंपस का लीस्ट काउंट क्या होता है? 15 सेकंड से सर। और जो थेटेलाइट है उसका लीस्ट काउंट क्या है? उसका 20 सेकंड। लेना सेकेंड। तो मतलब थेटेलाइट जो है वो कम वो है, प्रिसाइज है एक कंपस के मुकाबले। सर 15 सर, नहीं सर वो 30 है सर। उसका कंपास का 30 डिग्री और उसका 15 डिग्री है सर्वर कंपास का सर। नॉर्मल जो प्रोटेक्टर इस्तेमाल करते हैं उसका लीस्ट कम काउंट कितना होता है? नॉर्मल प्रोटेक्टर हम बचपन में इस्तेमाल करते थे, तो उसका लीस्ट काउंट क्या होता नो आइडिया सर, पकड़ा है? कभी नहीं पकड़ा हाथ में प्रोटेक्टर, कभी इस्तेमाल नहीं किया? है, बहुत टाइम हो गया, लगभग 8-10 साल हो स्केल गए का हैं, लीस्ट तो काउंट उसका क्या याद होता है? नहीं है। सर स्केल जो होता है जो बचपन में स्केल इस्तेमाल करते हैं, उसका लीस्ट काउंट क्या होता है? ये क्या मैम, तो डी का नहीं याद है, प्रोटेक्टर का नहीं याद है, लीस्ट काउंट क्या था? 1 डिग्री होगा सर। आपकी कंपास इतनी वो है खराब है कि 30 डिग्री से छोटा मेजर ही नहीं कर पा रही है, तो कह रहे हो ना प्रिज्मेटिक कंपास का 30 डिग्री होता है लीस्ट काउंट, तो 10 डिग्री का या 20 डिग्री का एंगल कैसे मेजर करोगे? सीधा 0 से 30, 30 से 60, 60 से 90। सर्वे कंपास का 15 15 मिनट होता है, डिग्री होता है सर, 15 सेकंड होता अब कह दो, है। पहले सेकेंड कह रहे थे, फिर डिग्री भी कह दिया, अब मिनट बताया उसे भी डाल दो, कुछ और बता रहा है तो रेडियन है वो भी कह दो, यही यही सर कंफ्यूजन सब हो रहा है सब बस, कह बाकी सब पंद्रह कह तीस ठीक से कंफर्म, 15 30 है। है। रवि तुमको जतिन सर फीडबैक देंगे, उसके बाद मैं तुमको बताऊंगा। ओवर टू यू जतिन। ओके रवि सर, रवि रवि जी सर, गुड मेरी आफ्टरनून आवाज आ सर। रही है? यस जी सर आ रही है। यार, सबसे पहले ना यार तुम अपने जो सब्जेक्ट्स तुमने बताए हैं उसके बारे में नॉलेज रखो, ऐसे बताने का कोई फायदा नहीं है। तुम वहां पे बताओ और तुम बता ना पाओ फिर आंसर उसके, तो वो सही नहीं रहता यार। कल तुम्हारा इंटरव्यू है ठीक है ना, तो सर वो ऐसा बेसिक है ना से सर कि रिवाइज। मतलब आती आती हुई चीजें सर मुंह पे नहीं आ रही है, ये हो रहा, ऐसा नहीं कि नहीं आ रहा क्या सर, चीज आती चीजें मुंह पे नहीं आ रही। जैसे लीस्ट मेरी काउंट मैंने चीज, पढ़ा हुआ था, अच्छा अक्सर मतलब जो लीस्ट काउंट मैंने पढ़ा था पूछा वो वो माइंड में लिखा नहीं आ रहा, ये बोल रहे हो? जी सर, मतलब अच्छा, ऐसा कोई नहीं, नहीं तुम फिर ये बोल खाली सकते खाली हो, पढ़ा था। तुम ये बोल तुम फिर भाई, मैंने जो तुमसे पूछे तुम्हारे ही सब्जेक्ट से रिलेटेड पूछे हैं, जैसे बेंडिंग मोमेंट ट्विस्टिंग मोमेंट में क्या डिफरेंस होता है रवि, जब मोमेंट बीम पे लगता है अबाउट द ट्रांसवर्स एक्सिस ऑफ द मेंबर, तो वो मोमेंट बेंडिंग मोमेंट होता है, और जब मोमेंट लगेगा अबाउट अबाउट लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस, ट्रांसवर्स एक्सिस, अबाउट अगर अच्छा ट्रांसवर्स ट्रांसवर्स एक्सिस सेक्शन। हाँ तो उसको बोलेंगे बेंडिंग मोमेंट, अगर लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस के अबाउट लगाओगे तो उसको बोलेंगे ट्विस्टिंग मोमेंट ठीक है। और बैलेंस सेक्शन और अंडर इनपुट सेक्शन में क्या डिफरेंस होता है? बैलेंस सेक्शन अंडर इनपुट सेक्शन, अंडर इनपुट सेक्शन में जो हमारा कॉन्क्रीट है और जो हमारा स्टील है, क्योंकि कॉन्क्रीट स्टील हम टेंशन जोन में डालते हैं, अंडर इनपुट सेक्शन के अंदर जो हमारा स्टील है, नाम से समझ आ रहा है अंडर इनपुट, स्टील कम डाला है, इसका मतलब स्टील पहले यील्ड कर जाएगा कंक्रीट से पहले, तो स्टील में फेलियर पहले आएगा, कंक्रीट में फेलियर बाद में जाएगा। और फेलियर यहाँ पे हम स्ट्रेन थ्योरी से बताते हैं, स्ट्रेन लेके चलते हैं कंक्रीट के अंदर, स्ट्रेन 0.0035, बट जो कंक्रीट में स्ट्रेन है 0.0035 वो बाद में मिलेगी, उससे पहले जो स्ट्रेन है तुम्हारी स्टील के अंदर जो लिमिटिंग वैल्यू है वो पहले मिल जाती है हमें। बट बैलेंस सेक्शन में सर आता तो है, ये जो आप बोल रहे हैं सर ये आता है, लेकिन अब मुंह से नहीं बोल पाए, बस समस्या ये जो आप बोल रहे हैं सब आता है, बस तो सर फिर मुंह पे नहीं आया वो सर। बाद में अब पछताई होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत, जैसे जब आप बताना अपने होता है, अंदर के जब मिस्टेक है बताना सर, था उस टाइम पे आप तो वर्ड्स में बताए नहीं कन्वर्ट ना। कर लेते हैं।
नहीं सर, तो आप अपने चीजों तो को मुंह पे वर्ड्स में कन्वर्ट कर ले जा रहे हैं, मैं हम इसलिए कर पा रहे हैं तो रवि, नॉलेज हम सर इसलिए कर कंटेंट पा रहे हैं। कन्वर्ट सकता हूँ सर। हाँ हम इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि प्रैक्टिस है, वही तुमको बोला जाता है कि प्रैक्टिस करो इन चीजों की। अच्छा वर्कएबिलिटी तुमने बताया, एक ही पैरामीटर बताया। देखो वर्कएबिलिटी होता है क्या कि जब भी हम कंक्रीट बनाते हैं और कितने आसानी से हम कंक्रीट के साथ काम कर सकते हैं। काम करने का मतलब है जैसे तुम उसको इजिली कॉम्पैक्ट कर दे रहे हो, तुम इसको इजिली मिक्स कर पा रहे हो, तुम इसको इजिली ट्रांसपोर्ट कर दे रहे हो, इजिली तुम कंक्रीट से काम कर पा रहे हो, है ना। इस चीज को बोलते हैं वर्कएबिलिटी। अब सिर्फ एक पैरामीटर नहीं है कि सर स्पेसिमन में अच्छे से डाल दिया वही वर्कएबल। हो सकता है कि स्पेसिमन में डालने के बाद तुम उसकी कॉम्पैक्शन ना कर पाओ तो वो वर्कएबल नहीं होगा। बात समझ आ रही है जी सर, आ अभी? रही है। हाँ। आ और रही है सर। रिमोट सेंसिंग में एक्टिव और पैसिव सेंसर के बारे में डिस्कशन किया था कि अगर जो सेंसर्स होते हैं नेचुरल सोर्स का यूज करते हैं, नेचुरल सोर्स जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन दे रहा है नेचुरल सोर्स का यूज करते हैं, वो पैसिव सेंसर्स होते हैं। एक्टिव सेंसर्स क्या होते हैं, आर्टिफिशियल यूज करते हैं, आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ एनर्जी जो यूज करते हैं वो एक्टिव सेंसर्स होते हैं, और नेचुरल जो यूज करते हैं वो पैसिव सेंसर्स होते हैं। ये बेसिक डिफरेंस होता है एक्टिव और रिमोट सेंसिंग। क्लियर है? जी सर। हेलो सर, आप फोन आ गया, थोड़ा रिपीट कर दीजिए सर, वायर कट गई एक्टिव और थोड़ा सा। पैसिव रिमोट सेंसिंग में डिफरेंस ये होता है, पैसिव रिमोट सेंसर वो होते हैं जो नेचुरल सोर्स ऑफ एनर्जी का यूज करते हैं, जैसे सन नेचुरल सोर्स ऑफ एनर्जी है। एक्टिव रिमोट सेंसर्स वो होते हैं जो आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ एनर्जी यूज करते हैं, उसको बोलते हैं एक्टिव रिमोट सेंसर। सर हमें बोल तो रहे थे, वो फिर अब ये हो गया कि ये तुमने आर्टिफिशियल उल्टा बोला था, सेंसर और ये तुमने एक्टिव को बोला था नेचुरल। नहीं, मतलब तो हमें ये होगा कि ये एक्टिव पैसिव अलग है और आर्टिफिशियल और नेचुरल अलग वाला कॉन्सेप्ट लग गया था। ठीक सर। रिलीफ डिस्प्लेसमेंट होता है कि सर कोई भी ऑब्जेक्ट हैविंग हाइट, जैसे टावर एग्जांपल लिया, उसकी जो फोटो आएगी जब हम फोटो की बात करेंगे फोटोग्रामेट्रिक सर्वेइंग में, उसकी जो डिस्प्लेसमेंट होगी फोटो के ऊपर, जैसे उसका टॉप पॉइंट और बॉटम पॉइंट के बीच में जो डिफरेंस है उसको डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। तो जो भी डिस्प्लेसमेंट है, एनी डिस्प्लेसमेंट ऑन द फोटो दैट रिप्रेजेंट द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये ऑब्जेक्ट की हाइट को रिप्रेजेंट करता है, इसको रिलीफ डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। ठीक है, सर फोटो पर जो, एक बार रिपीट डिस्प्लेसमेंट होगी करिए सर, एनी फोटो डिस्प्लेसमेंट पर टेकन ऑन द फोटो, एनी डिस्प्लेसमेंट टेकन ऑन द फोटो विच रिप्रेजेंट द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द ग्राउंड, उसको रिलीफ ऑन द डिस्प्लेसमेंट ग्राउंड। बोलते हैं। अच्छा जो प्रिंसिपल एक्सिस से वो गलत है। नहीं, वही ठीक है। डिस्प्लेसमेंट निकालोगे कैसे, रिलीफ डिस्प्लेसमेंट प्रिंसिपल एक्सिस से डिफरेंस निकालोगे ना, प्रिंसिपल एक्सिस से टॉप पॉइंट का और प्रिंसिपल एक्सिस से बॉटम पॉइंट का जो डिस्टेंस होगा उनका डिफरेंस जो निकल कर आएगा उसी को तो रिलीफ डिस्प्लेसमेंट बोलोगे ना। जी सर, जी ठीक है, और कुछ पूछना हो तुम्हें? सर। सर मतलब वही वर्ड्स नहीं आ रहे हैं, आता है जैसे आपने सब बताया, आता है माइंड में तो है, वर्ड तभी आएंगे, पहले लेकिन वर्ड्स काम होना नहीं है सीखो, एक्सप्रेस ऊपर। काम पहले नर्वस ना हो, जरूरी नहीं है कि तुरंत आंसर देना है, जैसा पूछा गया तुरंत आंसर देना नहीं है, थोड़ा सोचो आराम से, टाइम ज्यादा लगेगा तो टाइम मांगो कि सर 1 मिनट का टाइम दे मैं सर दीजिए, इतना 10 सेकंड का नर्वस टाइम दे नहीं दीजिए, हूँ। तो थोड़ा टाइम लो, उसके बाद तुम बताओ। ठीक है ना, ठीक अरुण सर, सर और फीडबैक देंगे। अरुण सर, हेलो हेलो, जी सर, आवाज आ रही आवाज सर? आ रही? उनको आ रही मेरी आवाज? जी सर, आ रही है। रवि, देखो जहां तक जी तो सर, मुझे लगता है कि तो बहुत ज्यादा सीरियसनेस मुझे नहीं लगी है, जो हमारा आज क्या इंटरेक्शन सर हुआ बहुत है, ज्यादा सर, थोड़ा तेज बोलिए। सीरियसनेस नहीं लगा है मुझे। बड़ा कैजुअल सा इंटरव्यू दिया है, तो लगा नहीं कि तुम किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के इंटरव्यू के लिए जा रहे हो। तो लगा कि अपने दोस्तों से या अपने घर पे बैठ के रिश्तेदारों से बात करते, बड़ा कैजुअल सा वो था। तो थोड़ा सा सीरियसनेस, ये आपको मैम ने भी कहा जब उन्होंने पूछा कि आपसे कि आजकल क्या चल रहा है, तो उसका बड़ा अजीब सा आंसर दिया आपने। तो वो कैजुअलनेस नहीं होनी चाहिए, थोड़ी सीरियसनेस के साथ आंसर आना चाहिए। ठीक है, दूसरा किसके साथ ये है सर, कि किसके साथ हमने चाहिए सर, थोड़ा तेज बोलिए, सीरियसनेस के आवाज साथ, बहुत डब सीरियसनेस के साथ कह रहा हूँ मैं, नहीं आ रही तुमको आवाज़ मेरी? सीरियसनेस के। ठीक सर, हाँ सीरियसनेस के साथ।
सीरियसनेस के साथ वो होना चाहिए ना, कैजुअल बात ना करो, ठीक है। दूसरा, ये तुम्हारी आंसर बड़े टू द पॉइंट है। बार बार इंटरव्यूअर को वो करने की क्या जरूरत है कि वो तुमसे आगे पूछे। मैंने तुमसे पूछा फ्राउड्स नंबर क्या है, तुम्हें फ्राउड्स नंबर के बारे में जो दो तीन चीजें पता है कह दो ना, दो तीन लाइन में। सिर्फ एक बात तुमने कही कि बस वो उन दो फोर्सेस का रेशियो है, बस बात खत्म हो गई। तो ज्यादा और चीजें भी बताओ ना, ऑब्जेक्टिव पेपर थोड़ी ना चल रहा है। दो तीन लाइनों में तो एटलीस्ट आंसर देना ही चाहिए। सर, ये फ्रॉड नंबर के बारे में यही सब पढ़ा है हमने, और कुछ ज्यादा है नहीं। पहली बात तो फ्राउड्स नंबर जो है वो अपना इनर्शिया फोर्सेस और ग्रेविटी फोर्सेस के अंडर रूट के बराबर है। फ्राउड नंबर जो है वो हेल्प करता है उसको डिस्टिंग्विश करने में कि क्रिटिकल है, सुपर क्रिटिकल है, ये सब क्रिटिकल है। ये डिस्टिंग्विश का इकट्ठा मतलब, ही डिस्टिंग्विश डिस्टिंग्विश का हिंदी, का हिंदी बांटने में, क्लासिफाई करने में हेल्प करता। अच्छा। तो ये सब तुम खुद भी बता सकते हो ना मेरे से। मैं ही बार बार पूछूं कि अरे इसका क्या यूज है, इसका क्या मतलब है, इसका क्या फायदा है, ये बोलने की मुझे क्या जरूरत थी। तुम ये दो तीन लाइनें उस टाइम ही बोल सकते थे ना जब मैंने तुमसे पूछा फ्राउड्स नंबर क्या होता है। अच्छा, इकट्ठा एक ही बार में। जरूरी नहीं कि पूरा पैराग्राफ ही सुना दोगे, बट थोड़ा सा बता दो ना, दो तीन लाइनें कम से कम आंसर होना चाहिए ना। सिर्फ बोलना कि फ्राउड्स नंबर जो है दो का रेशियो है, बड़ा छोटा आंसर है। एटलीस्ट दो लाइन का आंसर होना चाहिए। दूसरा, बाकी सर ली चैटलियर टेस्ट का पूछा था तो साउंडनेस टेस्ट करने के लिए काम आता है इस, ये भी बड़ा से छोटा सा आंसर है और ज्यादा मुझे अच्छा इंप्रेसिव नहीं लगा, ठीक है। और उसके बारे में जब मैं सीधा पूछता तो जैसे मैं ये पूरा बताता बताएं, हूँ। पूरा प्रोसीजर वही मुझे तो मैं सबका कह रहा था पड़ेगा। कि प्रोसीजर तो देखो, अगर वो पूछेगा तब बताओगे, लेकिन अनसाउंडनेस का मतलब बता सकते हो कि सर ये अनसाउंडनेस चेक करने के काम आता है कि उसमें कहीं जो है लाइम की क्वांटिटी ज्यादा तो नहीं हो गई है, क्या ये एक्सपैंड तो नहीं करेगा सेट होने के बाद। तो वो चेक करने के लिए कि वो क्या वो विद इन लिमिट है, हम लोग ये टेस्ट परफॉर्म करते हैं, ऐसा करके कुछ ऐसा पूरा बनाकर अनसाउंड बोल का मतलब सकते हो सर ना। एक्सपेंड, अनसाउंड का मतलब एक्सपेंड करना होता है। हाँ, अनसाउंड का यही मतलब होता है कि सेट होने के बाद एक्सपैंड नहीं करेगा। अच्छा, तो वो फिर थोड़ा सा उस तरह से बताओ ना, ऐसे बिल्कुल एक शब्द में आंसर देना अच्छी बात नहीं है। फिर तुमसे और टेस्ट मैंने पूछे तो वो बता नहीं पा रहे हो, फिर जब मैंने तुमसे उसका डिफरेंस पूछा था तब फिर तुम कंसिस्टेंसी कहीं से लेकर आ रहे हो, डिफरेंस भी सही नहीं बताया। कंक्रीट का नहीं करते हम 70 सेंटीमीटर के उस पे, कंक्रीट का 150 पे करते हैं, सीमेंट का 70.56 पे करते हैं। हाँ, इधर का उधर होगा। फिर लीस्ट काउंट वाले का भी तो तुमने उसकी तो धजियां उड़ा दी उस क्वेश्चन, कभी मिनट कभी सेकेंड कभी रेडियन कभी कुछ कभी कुछ, तो ऐसी बात नहीं चलती ना। थोड़ा सा तुमको कॉमन सेंस इस्तेमाल करना होता है। 30 डिग्री तुम कैसे कह सकते हो यार, कंपस से भी मैं बनाऊंगा तो कम से कम 15 डिग्री तक का एंगल बना लेता हूँ, तो फिर मैं कैसे और जो नॉर्मल प्रोटेक्टर होता है उससे 1 डिग्री मेजर हो जाता है, तो कंपस का 30 डिग्री कैसे लीस्ट काउंट होगा, फिर तो फायदा ही क्या हुआ उसका, ठीक है। तो थोड़ा सा सीरियसनेस के साथ और थोड़ा सा सोच समझ के आंसर, ठीक है। चलो, ठीक सर, ऑल द बेस्ट।